Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are reading about the paragraph number 6. The lesson is the savior of mankind, insani tadjar ka. Now we are reading paragraph number 6 and translate it. Listen carefully. The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun, and the Rasul had risen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. This is paragraph number 6, the difficult word which used in this paragraph, divine, D-I-V-I-N-E, divine का मतलब हम करते हैं रब्बी, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का, रब्बी, रब का, अरिजन, बुलंद होना, खड़ा होना, वननेस, एक होना, यकताई, वहदानियत, तौहीद, वननेस, मैनकाइंड, इंसानियत, डिस्ट्रॉय का मतलब इसमें आया है, डिस्ट्रॉय, तबाह करना, और सुपरस्टिशन आया है, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती, तोहमाद, और एक लफ्ज है डिसबिलीफ, कुफर को कहते हैं, अल्लाह को ना मानना, अल्लाह का इनकार करना, नोबल, अजीम, ने, बड़ा, फेथ, ईमान और अकीदा, कंटिन्यू जारी रहना, प्रोक्लेम, दावा करना, प्रोक्लेम, दावा करना, यूनिटी, इत्तेहाद, मिशन, मकसद, नेक्सस, महवर, इग्नोरेंस, जहालत, सेटअप, कायम करना, मैनकाइंड, इंसानियत, डिवाइन ब्लिस, नूरे ईमान, अल्लाह की तरफ से भेजा गया रोशनी। पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। The revelation of the divine message, which continued for next 23 years, had begun. Allah ka pegham ka nuzul, jo agle 23 saalon tak jari raha, wo shuru ho chuka tha. Allah ke pegham ka nuzul, jo agle ya aane wale 23 saal tak jari raha, wo shuru ho chuka tha. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen, aur Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam had arisen, khade ho chuke the to proclaim, elan karne ke liye, proclaim dawa karna, elan karna, wazeh taur pe bayan kar dena, the oneness of Allah and the unity of mankind. Rasul pak sallallahu alaihi wasallam Allah ki wahdaniyat aur इत्तेहाद इंसानियत का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे। इसके बाद है कि हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय, आपका मिशन था, आपका मकसद था, क्या मकसद था, टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस of superstition, ignorance and disbelief. आपका मकसद तोहम परस्ती, जिहालत और कुफर के मरकज को मिटाना था, नेक्सस, मरकज, महवर और डिस्ट्रॉय, मिटाना, तबाह करना था, और इसके साथ आगे भी है, मिटाना था और साथ क्या करना था, एंड सेटअप, और कायम करना था ए नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, और जिंदगी का आला और अरफा तसव्वुर कायम करना था। इसके साथ और भी एक बात तीसरी लिखी है,
एंड लीड मैनकाइंड, और इंसानियत की रहनुमाई करना था। लीड रहनुमाई करना मैनकाइंड, इंसानियत की किस चीज के लिए रहनुमाई करना, टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ, एंड डिवाइन ब्लिस, और नूरे ईमान की तरफ। पूरे का ट्रांसलेशन दोबारा किसी आखिरी के कर लेते हैं कि आपका मकसद तोहम परस्ती, जिहालत और कुफर के मरकज को खत्म करना और जिंदगी के एक आला तस्वर को कायम करना और इंसानियत को रूहानी सरूर बलिस का तर्जमा डिवाइन सरूर, डिवाइन बलिस, रूहानी सरूर, डिवाइन बलिस, बलिस सरूर और डिवाइन अल्लाह की तरफ से दिया गया, इसको हम नूर ईमानी कहते हैं। और लीड रोशनास कराना या रहनुमाई करना, दोबारा फिर देखें, और इंसानियत को रूहानी सरूर और नूर ईमानी के तसव्वुर से रोशनास कराना था। पैराग्राफ नंबर 7 इसके साथ इजाफा कर लेते हैं। 7 नंबर पैराग्राफ में यू शुड हीड योर बुक्स, और पैसा पैराग्राफ नंबर 7, सिंस this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. They wanted them to renounce their cause and take the to idol worshiping. On one occasion they sent a delegation to the Rasul sallallahu alaihi wasallam, kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words: "My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt." Paragraph number 7, ये reading थी। मुश्किल अल्फाज इसमें जो इस्तेमाल हुए हैं वो देखें। बिलीफ अकीदा है, डोमिनेंस गलबा है, डोमिनेंस गलबा छा जाना, मां बढ़ाना होता है, फॉलोअर्स सहाबा कराम के पैरोकार, फॉलोअर मानने वाले, आइडल वर्शिपिंग बुत परस्ती, डेलीगेशन वफद होता है, डेलीगेशन डेलीगेट नाउन है वर्ब है इसका, रिस्ट्रेन रोकना, एनमिटी दुश्मनी, नेफ्यू भतीजा, अबंडन छोड़ देना तरक कर देना, और थ्रेटन धमकी देना, खतरा बनना, पैगन काफिर को कहते हैं, प्रेशर दबाओ, और रिनाउंस तरक कर देना, ओकेयर ओकेजन मौका, केयरिंग प्यारा शफी प्यार भरा, प्रीचिंग तबलीग करना, इन ए डायलेमा उलझन में होना, परेशानी में होना, इन ए डायलेमा भरा है, और मेमोरेबल यादगार प्रोक्लेमेशन द वनेस वहदानियत और ट्रू हकीकी
असल सेटअप कायम करना, पेरिश खत्म हो जाना। तो ट्रांसलेशन है, सिंस दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग, सिंस चूंकि दिस बिलीफ ये अकीदा वॉज थ्रेट एक खतरा था, खतरा बन रहा था देयर डोमिनेंस उनके गलबे के लिए इन द सोसाइटी मुआशरे उनके उनसे मुराद यहाँ कुफार अरब हैं। चूंकि ये अकीदा मुआशरे में अरब के लोगों के लिए या उनके गलबा के लिए खतरा बन रहा था द पैगन अरब्स काफिर अरबों ने स्टार्टेड शुरू कर दिया तो माउंट प्रेशर दबाव बढ़ाना, माउंट बढ़ाना होता है प्रेशर दबाव किस पर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स आपके साथ हैं फॉलोअर आपको मानने वाले आपके पैरोकार सहाबा इकराम को कहते काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके मानने वालों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद है कि दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज, रिनाउंस छोड़ना होता है, दे वांटेड वो चाहते थे, दे अरबों के लिए इस्तेमाल हुआ यहां पे, वो चाहते थे छोड़ दे, क्या छोड़ दे, देयर कॉज, कॉज का मकसद है एंड टे टू आइडल और बुतों की पूजा अख्तियार करना है, टे तो क्या करना है यहां पे आइडल वर्शिप बुतों की पूजा, यानी वो चाहते थे कि वो एक दो काम ने किया के अपना मकसद छोड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वो चाहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम को चाहते हैं कि वो उसी तरह कुरान दीन पे वापस आ जाए। ऑन वन ओकेजन एक मौका पर दे सेंट ए डेलीगेशन, उन्होंने एक वफद भेजा, सेंट भेजना डेलीगेशन पर टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे या मेहरबान और शफीक चचा हजरत अबू तालिब के पास दे टोल्ड हिम उन्होंने उन्हें बताया टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकें। रिस्ट्रेन रोकना किस चीज से रोकें, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज अल्लाह के पैगाम की तबलीग से, प्रीच अल्लाह के पैगाम की तबलीग से उनको रोके और इसके साथ और क्या कहें कि और या फिर फेस देयर एनमी या फिर उनकी दुश्मनी बोल दे, इन दो कामों में से एक करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को यह कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रोके कि वो अपने मिशन से बाज रहें और या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। इसके बाद कहते हैं कि फाइंडिंग हिमसेल्फ इन द डायलॉग, डायलेमा होता है पूछा परेशानी कि क्या करूं क्या ना करूं, कौन है ये हजरत अबू तालिब के बारे में ये बात है कि उन्होंने अपने आप को मुश्किल में या उलझन में पाते हुए सेंट फॉर मुहावरा है फॉर लगा के प्रीपोजिशन लगाया है और सेंट फॉर बुलवा भेजना, बुलवाना किसको अपने पास लेकर आओ तशरीफ लाओ, सेंट फॉर हिज नेफ्यू, नेफ्यू भतीजा जो भाई का बेटा होता है उसको नेफी कहते हैं, आपने अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवा भेजा एंड एक्सप्लेन्ड टू हिम और आपके सामने वजाहत की, एक्सप्लेन वजाहत करना द सिचुएशन सूरत हाल को वाजे की, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पोंडेड, रिस्पोंड होता है जवाब देना, इस इसका क्या रिस्पॉन्स दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या जवाब दिया आपने अपने चचा की बात सुनी और जवाब क्या दिया, रिस्पोंडेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, मेमोरेबल यादगार, इन यादगार लफ्जों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। आपका जवाब देखें, आप फरमाते हैं कि माय डियर अंकल मेरे प्यारे चचा, इफ दे पुट द सन ऑन माय राइट हैंड, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पे सूरज ला के रख दें, द मून इन माय लेफ्ट और चांद मेरी बाएं हाथ पे ला के रख दें, इवन देन तब भी फिर भी आई शैल नॉट अबैंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह की तौहीद से या अल्लाह की वहदानियत से, अल्लाह की वहदानियत के दावे से दस्तबरदार नहीं होता, अबंडन दस्तबरदार होना, शैल न
नॉट अबंडन नहीं तरक करूंगा दस्तबरदार ना होऊंगा किससे प्रोक्लेमेशन दावे से किस चीज का दावा वननेस ऑफ अल्लाह यानी तौहीद को कहते हैं वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह की तौहीद से अल्लाह की वहदानियत से के दावे से मैं दस्तबरदार ना होऊंगा आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ मैं जमीन पर सच्चा दीन कायम करके रहूंगा मैं जमीन पर सच्चा दीन कायम करना और ट्रू फेथ सच्चा दीन अपॉन द अर्थ जमीन पर ये काम करूंगा और या फिर क्या और पेरिश इन द अटेम्प्ट या इस कोशिश में अपनी जान दे दूंगा पेरिश यहां खत्म कर देना जान दे देना मुराद है कि इस कोशिश में अपनी जान को दे सकता हूं दे दूंगा लेकिन मैं इससे दस्तबरदार रहूंगा डियर स्टूडेंट इस बात का पैराग्राफ नंबर 7 और यू शुड लर्न दिस पैसेज बाय हार्ट एंड डिफिकल्ट वर्ड्स और रीड एंड राइट ट्रांसलेट बाय हार्ट अल्लाह हाफिज़